बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय, जब चुनाव चल रहा था तब हमने अपने क्षेत्र की दशा देखी थी। हमारा क्षेत्र गंगा के किनारे है, बहुत लंबी दूरी गंगा के तट पर स्थित है। हर बार जब बरसात होती है, बाढ़ से बहुत से गांव पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं। बाढ़ का पानी गांवों में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है और हर बार उनको घर बदलना और स्कूल बदलना, शिक्षा, खाना, स्वास्थ्य सब उनका अस्त व्यस्त होता है। उसको नजर ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वहाँ पर पत्थर की ठुकाई हो जाए बरसात से पहले, ताकि इस बार बरसात आने से पहले उन लोगों को सुविधाएं मिल सके। लेकिन माननीय मंत्री जी को कहीं से रिपोर्ट दी गई जिसके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं कि वहाँ पर 91 किलोमीटर काम हो चुका है, 6 जगह सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मैं वहाँ पर जाकर के देखी हूँ और अधिकारियों से भी हमने पूछा तो कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार उसकी पुनः जांच करवा करके वहाँ पर कार्य कराने का कष्ट करें, ताकि हमारी सरकार की जो मंशा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास के तहत बदायूं की जनता भी विश्वास से जुड़ते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।